हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल फैमिली एंड फन ब्लॉग। आज मैं आपके सामने मूली के पत्ते का पकौड़ा की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। तो चलिए चलते और देखते हैं ये रेसिपी मैं कैसे बनाती हूँ। ये मैंने दो बड़े प्याज काट लिए हैं और एक हरी मिर्च है, वो मैंने बाउल में ले लिया। यहाँ पर ये मूली के पत्ते हैं, 3 कप मैंने मूली के पत्ते लिए हैं। अब मैं प्याज में मूली के पत्ते को मिक्स कर रही हूँ और मैंने 1.5 कप बेसन लिया है। बेसन थोड़ा कम ही लेना है और इसमें मैंने 2 टेबलस्पून राइस फ्लोर डाला है, जिंजर गार्लिक पेस्ट है, 1/2 टीस्पून हल्दी है, 1/2 टीस्पून कोरिएंडर पाउडर है, 1/2 टीस्पून ब्लैक पेपर पाउडर है, 1/2 टीस्पून कश्मीरी रेड चिली पाउडर है, 1/2 टीस्पून गरम मसाला है, 1/2 टीस्पून जीरा पाउडर है, अमचूर पाउडर और वाइट सॉल्ट भी मैंने डाला है। अब मैं इसको सबको मिक्स करूँगी। अच्छे से मिक्स करना है बेसन को पत्ते और प्याज में। ये काफ़ी हेल्दी रेसिपी है और इसमें पानी कम से कम डालना है, 2 या 3 टेबलस्पून मैंने पानी डाला है और इसे मैं मिक्स कर रही हूँ। देखिए ये हमारा बैटर मिक्स हो गया, इस तरह का बनना चाहिए। पानी बिल्कुल कम डालना है। मैंने कढ़ाई में तेल लिया है, मैं छोटे छोटे इसके पकौड़े फ्राई कर रही हूँ। ये काफ़ी यम्मी पकौड़े बनते हैं और काफ़ी हेल्दी भी है ये इसके पत्ते के पकौड़े। अब मैं इसे फ्राई कर रही हूँ। इस तरह से मैं पलट रही हूँ पकौड़े को। देखिए हमारा पकौड़ा फ्राई हो रहा है। अब मैं पकौड़े को डिश आउट कर रही हूँ। काफ़ी क्रिस्पी पकौड़े हमारे बने हैं और इसको आप टोमेटो सॉस मेयोनीज के साथ भी सर्व कर सकती हैं, बहुत अच्छे लगते हैं खाने में। क्रिस्पी क्रिस्पी पकौड़े गरम गरम, ठंड के मौसम में तो बहुत ही अच्छे लगते हैं ऐसे पकौड़े खाने में। देखिए हमारा यम्मी डिलीशियस पकौड़ा, क्रिस्पी पकौड़ा रेडी हो चुका है। इस तरह से आप अपने फैमिली मेंबर्स को बनाकर खिलाएं, काफ़ी पसंद करेंगे। अगर आपको ये रेसिपी हमारी अच्छी लगी हो तो हमारे इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल फैमिली एंड फन ब्लॉग। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।